स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम लोग आज बात रहे हैं त्रिकोणमिति की, जो कि क्लास टेंथ में अध्याय 8 में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में देखेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये भुजा है, भुजा का नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, और क्या लिख लिए यहाँ पे सी लिख लिए। ठीक है, तो कोण की बात करें तो कोण सी रहेगा, ए रहेगा और बी रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, बी तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, बात करते हैं इसमें कि ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा कहलाता है कर्ण। ठीक है, एक भुजा क्या कहलाता है इसका आधार कहलाता है, और दूसरा भुजा क्या कहलाता है इसका, दूसरा भुजा कहलाता है लंब। ठीक है, बात करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति तीन शब्द से बना है। ठीक है, ट्री गॉन और मेट्रॉन, यानी कि थ्री गॉन और मेट्रॉन से। तो थ्री मीन्स तीन होता है, गॉन मीन्स क्या होता है भुजा होता है, और मेट्रॉन मीन्स क्या होता है माप होता है। तो तीन भुजा की माप के बीच संबंध को बताया गया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कि ये लंब है, ये आधार है। जरूरी नहीं है कि ये लंब होगा यही आधार होगा हमेशा, ये चेंज होते रहता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसके बारे में कहेगा वही आधार हो जाएगा। क्या बोले, रिपीट कीजिए, जिसके बारे में कहेगा वही आधार हो जाएगा। तो देखिए, जैसे अभी कि किसके बारे में कहेगा ये आप कैसे जानिएगा। तो जैसे कि छह निष्पत्तियां होती है, छह निष्पत्तियां क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, बात यदि हम यहाँ पे करें साइन थीटा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। बात करें यदि हम कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। ये किसका ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर लिखे लंब बट्टे कर्ण, यहाँ कॉसेक थीटा बराबर में लिखे कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, सेक थीटा की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कर्ण बट्टे आधार लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कॉट की, तो कॉट होता है टेन का उल्टा, और इसको लिखा जा सकता है आधार बट्टे लंब। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसके बारे में कहेगा। हमने आपको बताया कि जिसके बारे में कहेगा वही आधार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थीटा के बारे में बोला, किसके बारे में बोला है, थीटा के बारे में बोला। यहाँ पे तो थीटा नहीं है, यदि ये थीटा रहेगा ठीक है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे अभी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताइएगा कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी कि सॉरी लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी। कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है ए सी। आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए लंब आधार चेंज होता है, लेकिन कर्ण क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। तो हम थीटा बोले ना अभी, थीटा तो जिसके बारे में कहेगा वही क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इसके बारे में आधार हो जाएगा, तो आधार क्या है यहाँ पे, बी सी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी, और कर्ण का मान क्या है यहाँ पे, ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए सी लिखेंगे। बात करते हैं आगे टेन थीटा की। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है लंब बटे आधार, बोला है थीटा के बारे में, तो थीटा यही है। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी। लंब क्या हो जाएगा, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी। बिल्कुल बेसिक से बता रहा है, अगर ये आपको आ गया तो समझिए कि 8.1 आपसे बन जाएगा। ठीक है, कौशिक की बात करें, कौशिक कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, बोला है थीटा के बारे में, तो थीटा क्या है, थीटा है ये, तो ये आधार हो जाएगा, तो लंब यही होगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो कर्ण क्या है, कर्ण तो वही रहेगा ए सी, और लंब हो जाएगा ए बी। ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कुछ लोग इसी का उल्टा बोल रहे हैं, तो ठीक है वही होगा, बट यहाँ पे समझना आपको ये है कि जिसके बारे में कहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण क्या है यहाँ पे, ए सी है, तो ए सी लिखेंगे, और आधार, आधार क्या हो जाएगा, जो इसके बारे में कहेगा वही आधार, तो यहाँ पे थीटा के बारे में बोला है, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा की बात करें, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, बोला है थीटा के बारे में, थीटा यही है, यहाँ लिखेंगे बी सी, और बट्टे क्या लिखेंगे बताइए, बट्टे लिखेंगे ए बी। बस समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया है। चलिए हम आगे लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे इसका मान बदलते हैं, पी क्यू आर लिखते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कि इसका मान हम बदलते हैं,
तो चलिए हम लेके चलते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी। यहाँ पे ये पी है, यहाँ क्यू है और ये आर है, ठीक है, ये लेके चलते हैं। और हम आपसे पूछेंगे, बताइए कि साइन पी क्या होगा। क्या पूछे अभी आपसे? साइन पी पूछे नहीं, तो आपको ये आना चाहिए पहले कि साइन बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण होता है। अगर ये आपको आता है कि लंबटे कर्ण होता है, तो बताइए किसके बारे में कहा है, पी के बारे में कहा है। अभी अभी बताएं कि जिसके बारे में कहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये आधार हो जाएगा तो लंब तो यही होगा ना, लंब क्या होगा, क्यू आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, क्यू आर लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, कर्ण का मान क्या है, पी आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। बताइए बात समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। कॉस, हम यहाँ पे बोले कि पी, मान लीजिए कॉस पी बोले आपसे, तो कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बोला किसके बारे में, पी के बारे में, तो जिसके बारे में कहेगा वही क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू, हमको तो आधार ही चाहिए ना, पी क्यू और बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है यहाँ पे, पी आर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। टेन, टेन की बात करते हैं, यहाँ पे पी ले लेते हैं, ठीक है। तो टेन पी की बात करेंगे, तो टेन बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और बोला किसके बारे में, पी के बारे में बोला है, तो पी के बारे में बोला तो ये आधार हो जाएगा, तो लंब कौन होगा, क्यू आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, क्यू आर बटे क्या लिखेंगे, क्यू आर बटे लिखेंगे पी क्यू। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। हम यहाँ पे कॉसिक आर ले लेते हैं, क्या ले बताइए आप, यहाँ पे एंगल चेंज कर दिए, ठीक है, कॉसिक आर ले लिए, ठीक है। तो कॉसिक बराबर होता क्या है, पहले ये होना चाहिए आपको याद, तो कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। तो कर्ण का मान क्या है, देखिए कर्ण का मान है पी आर, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, पी आर लिख लेते हैं। और बात करें यदि लंब की, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कॉसिक आर तो जिसके बारे में कहेगा वो तो आधार हो जाएगा ना, ये आधार हो जाएगा तो लंब क्या होगा बताइए, लंब होगा पी क्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बात करते हैं सेक आर की, मान लीजिए आर लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे क्या है, सेक बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है, किसके बारे में बोला है, आर के बारे में बोला, नहीं तो कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, पी आर। और बात करें यदि हम आधार की, तो आधार की जिसके बारे में कहेगा वही आधार ना, तो आर, आर के बारे में आधार हो जाएगा, तो आर ये है, क्यू आर है, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। और कॉट आर की बात करें यदि हम, कॉट आर तो कॉट बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब, और बोला किसके बारे में है, आर के बारे में बोला, नहीं तो जिसके बारे में कहेगा वही आधार, तो यहाँ पे आधार बटे लंब होता है, तो आधार क्या है यहाँ पे, क्यू आर है, और लंब क्या है बताइए, लंब है पी क्यू। बताइए बात इतना समझ में आ रहा है, जी हाँ, जिसके बारे में कहेगा वही क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अगला चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ये तीन दिया है और ये चार दिया, तो कर्ण तो नहीं मालूम है, तो पहले हम लोग कर्ण मालूम करेंगे, ठीक है। अब कर्ण मालूम करेंगे तो फॉर्मूला होता है, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के, ठीक है। ये त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है यहाँ पे, पी आर है या नहीं है, है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पे, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे आधार क्या है बताइए, क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर होगा ना, स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू, पी क्यू क्या यहाँ पे, बी क्यू कितना है, तीन है, तो क्या लिखेंगे, तीन का स्क्वायर जोड़ क्यू आर कितना है यहाँ पे, चार है, तो लिखेंगे चार का स्क्वायर, ठीक है। तीन तीन कितना होता है, नौ होता है, चार चौका 16 होता है, ठीक है। 16 नौ कितना होता है, 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 5 आ गया, बात समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया था इससे पहले, ठीक है, समझते हैं। सब जगह मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है, ये सब आर है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि साइन आर बराबर क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब पूछा किसके बारे में, आर के बारे में, तो आर क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि ये आधार हो जाएगा, तो लंब क्या होगा बताइए, लंब हो जाएगा पी क्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसके बारे में कहेगा वो क्या हो जाता है, आधार, तो एगो अगर आधार हो गया तो दूसरा लंब ही बचेगा ना, और वो जो है कर्ण तो नो चेंज होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे लंब क्या है, यहाँ पे पी क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू
और बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा पी आर, ठीक है। और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 3, और बट्टे क्या लिखेंगे 5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कॉस आर की बात करें, तो कॉस आर तो जिसके बारे में कहेगा वही आधार, और हमको कॉस बराबर जानते हैं क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4, अभी बताया ना जिसके बारे में कहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आधार, तो लिखेंगे 4, सर यहाँ पे नाम लिख लेते हैं पहले हम, क्यू आर बट्टे क्या लिखेंगे यहाँ पे पी आर, ठीक है। क्यू आर का मान कितना है, 4 है, और बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बात करें हम टेन आर की, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि आर के बारे में बोला है, तो जिसके बारे में कहेगा वो आधार हो जाएगा, तो लंब कितना है, लंब है 3, लंब हमको चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे पी क्यू बट्टे क्यू आर, ठीक है। और इसका मान है 3, और बट्टे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यही आंसर हो जाएगा आपका। बात करते हैं कौशिक की, तो कौशिक, कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, किसके बारे में कहा है, आर के बारे में कहा है, तो ये तो आधार हो जाएगा, तो लंब यही ना होगा 3, नहीं तो कर्ण 5 रहेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पी आर बट्टे क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, और बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करें अगर हम सेक आर की, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, ठीक है। और कर्ण का मान यहाँ पे अगर बात करें, तो जिसके बारे में कहेगा वो आधार, तो आधार तो यही रहेगा क्यू आर ही रहेगा, कर्ण क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पी आर बट्टे क्यू आर, ठीक है। और इसका मान है 5, और इसका मान है 4, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। और लास्ट अब देख रहे हैं यहाँ पे कॉट आर, तो कॉट आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा, कॉट, कॉट होता है आधार बट्टे लंब, किसके बारे में कहा है, आर के बारे में कहा है, तो ये आधार हो जाएगा, तो ये लंब होगा, आधार कितना है क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बट्टे क्या लिखेंगे बताइए, पी क्यू, पी क्यू लिख लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बट्टे क्या हो जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक होमवर्क देते हैं, आप करके लाइएगा, ठीक है, इसी तरह से, और अगले दिन देखेंगे इससे आगे हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। 8.1 स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो टास्क नोट कीजिएगा, तो देखिए ये जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एच डब्ल्यू है आपका, ठीक है, और ये आपको बना के लाना है, ठीक है, बना के देखना है कैसे बनता है, अगले दिन हम इसका आंसर बता देंगे आपको, ठीक है। तो रखते हैं आज भर इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और कैसा लगा यह वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो।